नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मार्च रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को खत्म होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार यात्रा सिर्फ बालटाल रूट से करवाई जा सकती है। यात्रा का पारंपरिक रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर जाता है। अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए इस साल केवल बालटाल रूट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे पारंपरिक रूट से यात्रा को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की वापसी के कारण यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जयपुर जिले के बजाज नगर थाना क्षेत्र के बरकत नगर में पीजी हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा अनीशा मीना निवासी दोसा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे कारण पढ़ाई को लेकर तनाव होना बताया जा रहा है। मृतका के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने मरने से पहले माता पिता के सपने पूरा नहीं कर पाने का जिक्र किया है। उसने लिखा कि जिंदगी बहुत बड़ी है। उसने आगे लिखा कि जो मैं सपना पूरा नहीं कर पाई वह छोटा भाई पूरा करेगा। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। छात्रा कुछ समय पहले ही जयपुर आई थी। राज्य की गहलोत सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट यानी भूखंड पर मकान बनाने के लिए आपको नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं है। पहले यह छूट सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक की थी। अब राज्य सरकार ने 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शा पास करवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार के इस फैसले को लाखों लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल इसकी जानकारी दी। इसके लिए सरकार से पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा अनुमोदित करवाकर निर्माण शुरू किया जा सकता है। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी ट्रेन के एक कोच में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। गार्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इस कोच में 35 यात्री थे जिन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। बता दें कि शताब्दी ट्रेन के एक कोच C4 में यह आग लगी। घटना के दौरान इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया गया। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र के सिरोही नदी के निमली गांव में एक शराब कारोबारी ओम प्रकाश यादव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन ओम प्रकाश को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश ने हाल ही में पूरी हुई शराब नीलामी प्रक्रिया में पार्टनरों के साथ झड़ाया में शराब का ठेका लिया था, लेकिन 4 दिन पहले पार्टनरों ने बेईमानी से 12 लाख रुपये हड़प लिए। इसके अलावा 7,45,000 रुपये वसूलने के लिए ठेके से सामान उठाकर ले गए। पुलिस ने पार्टनर मुकेश काजला, राकेश यादव, कुलदीप बन्ना और रोहिताश बन्ना पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता बीना शर्मा ने सांगानेर सदर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह नगर निगम सांगानेर जोन वाली रोड पर बने SBI के ATM से बैलेंस चेक करने गई थी। उसके बाद जब पैसे निकालने गई तो ATM कार्ड काम नहीं कर रहा था। इसके बाद बैंक पहुंची तो पता चला कि उसका ATM कार्ड ही दूसरा है और पासबुक एंट्री में पता चलता है कि अलग अलग ATM से 2,01,241 रुपये निकाले गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र के रामपुरा भुरटिया गांव में एक विवाहिता ने अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि विवाहिता और उसके पुत्र के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक विवाहिता 24 घंटे पहले ही घर से लापता हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर ससुराल और पीहर पक्ष में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। RAS मुख्य परीक्षा 2018 से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशी खबर है। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 22 मार्च से शुरू होंगे। RPSC ने इंटरव्यू की तारीख जारी की है। पहले चरण में सिर्फ 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होंगे। अन्य अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। सभी जानकारी आयोग की साइट पर जारी की गई है।
अजमेर जिले के अलवरगेट थाना क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी पर जानलेवा हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पति योगेश ने पत्नी ममता के गले पर चाकू से कई वार किए। चाकू के हमले से ममता गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ममता ने पति योगेश पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी पति योगेश की तलाश शुरू कर दी है। कोटा जिले की कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने में पहुंचकर आरोपी युवक सोनू के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी युवक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। किशोरी का मेडिकल करवाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर में आईपीएल मैच न होने से कोरोना पीड़ित टूरिज्म इंडस्ट्री को जोर का झटका लगा है। जानकारी के अनुसार जयपुर में आईपीएल मैच नहीं होने से टूरिज्म इंडस्ट्री निराश है। आईपीएल के आयोजन से प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को 300 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद थी। कोरोना से पहले ही टूरिज्म को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं रेस्टोरेंट व्यवसायी भी आईपीएल मैच जयपुर में न होने से निराश है। कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान मॉडल स्टेट बन चुका है, ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री को आईपीएल मैच मिलने की उम्मीद थी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम और खेड़ापा थाना पुलिस ने जोधपुर नागौर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रक से 218 कार्टन में भरी 2,616 बोतल शराब बरामद की गई है। इस शराब का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए है। शराब को मूंगफली चारे के नीचे बेहद सावधानी से छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने शराब को जब्त कर चालक मुकेश देवासी और महेंद्र सुथार को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने बताया कि वे शराब से भरा ट्रक लेकर गुजरात जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।